वेलकम दोस्तों। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली हैं कि आप यूज़र कैसे बनाते हो, उसको परमिशन कैसे देते हो, परमिशन रिमूव कैसे करते हो, उससे पासवर्ड कैसे चेंज करते हो, और डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हो वो भी हम बता देंगे। बाकी डेटा आप इंपोर्ट कैसे करते हो और एक्सपोर्ट कैसे करते हो, और हम डेटा बनाते कैसे हैं डेटाबेस और उसके डेटा को रीड कैसे करते हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो MySQL रूट माइनस पी, ये माइनस पी ये हो गया। अब डेटाबेस बनाने के लिए आपको सिंपल कमांड है होती है क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस आप कुछ भी बना सकते हो, कोड इम्प्रूव अच्छा ये एग्जिस्ट करता है, ये बन गया। कोड इम्प्रूव नाम करनी है डेटाबेस तो बना दिया। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, मैं अच्छा मैं यहीं से चेक कर लेता हूँ ना, सो डेटाबेस। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये देखो कोड इम्प्रूव नाम का डेटाबेस बन गया। अगर इसको ड्रॉप करना है, ड्रॉप डेटाबेस, ये ड्रॉप हो गया। और मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से, इम्प्रूव वाला ड्रॉप हो गया। ये तो हो गया क्रिएट ड्रॉप। अब हम आते हैं टेबल को रीड करते हैं, टेबल का डेटा कैसे रीड करते हैं। तो मैं यूज़ किसी टेबल पे जाने के लिए यूज़ टेबल का नेम, वो डेटाबेस का नेम ऑल इंडिया, उसके बाद सो टेबल्स, उसकी टेबल्स देखने के लिए, और किसी टेबल का रिकॉर्ड देखना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो ये जो भी एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो सारा आने लग जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहाँ पर डिलीट ड्रॉप, अब जो भी आप एसक्यूएल जो यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हो वो सारी आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सारा काम अपना कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।